हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो विक्टिम दोस्तों, गाइस इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब, सर्विस वेब एंड डीप वेब के बारे में बताऊंगा कि ये तीनों वेब क्या होते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ सर्विस वेब। सर्विस वेब हमारे इंटरनेट का सिर्फ 5% होता है। 100 में से 80% यूज़र्स सिर्फ सर्विस वेब को सर्व करते हैं। सर्विस वेब में हमारा गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया जो भी है, हमारा सब सर्विस वेब पर डिपेंडेड है। एंड डेली रूटीन में भी हम सर्विस वेब को यूज़ कर सकते हैं। एंड डीप एंड डार्क वेब से बहुत दूर है। तो सर्विस वेब सोचिए, देखो कि ओनली फॉर 5% है इंटरनेट का और 80% यूजर्स ये यूज़ करते हैं। कितने सारे यूजर्स ये यूज़ करते हैं, एंड ये सिर्फ 5% को देखने में तो बहुत बड़ा लगता है कि सर्विस वेब बहुत बड़ा होगा, लेकिन अदर्स भी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो सेकेंड में आता है डीप वेब। तो डीप वेब क्या है कि जैसे कि मेडिकल लाइन के जितने भी डाटा होते हैं वो सब डीप वेब में स्टोर होते हैं। जितने भी हमें गवर्नमेंट के डाटा होते हैं वो भी डीप वेब में स्टोर होते हैं, और जितने भी हमारे लाइक बैंक डाटा होते हैं वो भी सब डीप वेब में स्टोर होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो, सर्विस वेब में जैसा कि मेरा नाम चंदन भारद्वाज है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चंदन भारद्वाज से, एंड फेसबुक आईडी पे मैं चंदन भारद्वाज है। तो क्या होगा कि लाइक मैं गूगल में सर्च मारता हूँ अपने नाम पे, तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब गूगल के सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। एंड जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे एंड ट्विटर पे, वो भी सब मेरे सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। तो सोच देखो, अगर किसी का बैंक अकाउंट, बैंक का डाटा अगर डीप वेब पे ना होके सर्विस वेब पे स्टोर है तो सोच के देखो कि अगर कोई भी अटैकर्स या फिर हैकर्स जब भी गूगल में किसी का नाम सर्च मारेगा तो उसका बैंक का डिटेल भी आ जाएगा, जो कि उससे उसको बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए डीप वेब को बनाया गया है ताकि सर्विस वेब में कोई भी, सर्विस वेब का कोई भी ऑथर डीप वेब पे एक्सेस नहीं कर सकता। जिसका एडमिन पैनल होता है, जैसे कि ब्लैक बैंक का देख सोच सकते हो आप कि बैंक का जो एडमिन पैनल होगा वही सिर्फ बैंक के डाटा को एक्सेस कर पाएगा। अनदर कोई भी सर्विस वेब से उसे एक्सेस नहीं कर सकता, गूगल से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ बैंक वाले ही उसे एक्सेस कर पाएंगे, फिर मेडिकल वाले एक्सेस कर पाएंगे। इस कारण कुछ ये डीप वेब को बनाया गया कि कुछ पर्सनल सिक्योरिटी के लिए जो भी डाटा है वो सर्विस वेब पे स्टोर होते हैं, जो कि ये भी एक हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत यूज़फुल है। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा डार्क वेब। डार्क वेब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब में लगभग कम से कम 100 में से 80% कम से कम डार्क वेब में इलीगल काम होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, एंड उसमें 80% पूरा इलीगल काम होते हैं। एंड मैंने डार्क वेब के ऊपर एक और अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर जाके वहाँ से डार्क वेब क्या है, कैसा है, कैसा इलीगल काम होता है और कैसे उसको उनको पुलिस पकड़ती है, एंड किस तरह से वो अननोन बनकर वहाँ पर काम करते हैं कि उन्हें कोई भी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हैकर्स कोई भी उन्हें हैक नहीं कर पाते, एंड किस तरह से आप वहाँ जाएंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डार्क वेब के वीडियो में बताया हूँ। एंड आपको यही बोलूँगा कि डार्क वेब से बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि वहाँ पर पूरे हैकर्स का घर है। आप वहाँ किसी से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, कुछ भी इलीगल काम कराते हैं, तो वो बदले में आपको बाद में टॉर्चर भी कर सकते हैं। वो पूरा इलीगल काम होता है और बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप डार्क वेब में कुछ भी बाय या सेल करेंगे तो आपके घर पे पुलिस भी आ सकती है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप डार्क वेब जैसे चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, बिल्कुल भी ना जाए। एंड सेकेंड वीडियो पर मैंने बताया कि क्या नुकसान है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, एंड ये इलीगल है कि नहीं है डार्क वेब यूज़ करना, एंड किस ब्राउज़र से इसे हम सर्व करते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप डार्क वेब वाला वीडियो जो वॉच करना है एंड देखना पूरा डार्क वेब क्या है, उसमें रेड रूम क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।